अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के शुक्र फजल करम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की सिंपल रेसिपी है। देसी स्टाइल से हमने बनाई है तड़के वाली चिकन पुलाव। झटपट से तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। मेरे चैनल का नाम है सिटी फूड सीक्रेट। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल कर दो सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं और ये किस तरह बनाई जाती है, आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक अदद हमने प्याज ली है जिसे कटिंग कर लिया है, एक किलो मैंने चिकन लिया है और आधी चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, आधी चम्मच से कम पीसा हुआ गरम मसाला है, एक चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है और आधी चम्मच से कम मैंने काली मिर्च ली है, एक चम्मच मैंने नमक लिया है और एक चम्मच मैंने साबुत गरम मसाला लिया है जिसके अंदर कड़ी पत्ते, दालचीनी, बादियान का फूल, साबुत जीरा और एक ही मैंने लहसुन की गैंठ ली है। अच्छी तरह मैंने इसे धो लिया है और मैं बना रही हूँ चिकन वाइट पुलाव। इधर मैंने एक कढ़ाई ली है, हसबे ज़ोरत ऑयल डाला है, नमक और मिर्च लिया था मैंने हसबे ज़ोरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज डालूँगी, प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसके अंदर साबुत गरम मसाला डालूंगी। मैंने नमक और मिर्च लिए थे हसबे ज़ोरत, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। मैं वाइट पुलाव बना रही हूँ, स्पाइसी हमें बहुत पसंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारी प्याज लाइट पिंक ब्राउन हो चुकी है। हम वाइट पुलाव बना रहे हैं तड़के वाले, इसके अंदर सिर्फ हमें इतनी ही करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डालूंगी साबुत गरम मसाला और ये लहसुन जो मैंने साबुत लिया था, मैं इन्हें एक मिनट के लिए फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हमने एक मिनट साबुत गरम मसाला फ्राई किया है, अब मैं डालूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चिकन। अब मैं इसे अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मैंने मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसकी अच्छी से भुनाई करूंगी। भुनाई करने के बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। मैंने एक बाउल चावल लिए हैं और दो बाउल मैं पानी ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैं इसके अंदर ऐड करूंगी चिकन क्यूब्स, इस तरह तोड़ कर डाल लूँगी। और तीन ली है मैंने सब्ज मिर्च जिसमें कट लगा ली है। मैं इसकी भुनाई करूँगी और इसको ऐड करूँगी इसके अंदर पानी। देखें हमारा चिकन भून चुका है, घी छोड़ दिया है इसने। अब मैं इसके अंदर डालूँगी पानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और मैं इसे छोड़ दूँगी बॉयल होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हमारा पानी बॉयल हो चुका है। ये मैंने एक कोला लिया था चावलों का और दो कोला मैंने इसमें पानी रखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जब पानी कोशक हो जाएगा तो फिर मैं इसे दम पे रख दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हमारा चावलों का पानी कोशक हो चुका है। अब मैं इसे दम पर रख दूंगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के अंदर हमारी वाइट तड़के वाली चिकन पुलाव तैयार हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी वाइट चिकन पुलाव तैयार हो चुकी है तड़के वाली। ये बहुत ही मज़े की है। इंशाल्लाह आप लोग हमारे तरीके से ट्राई करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। मैंने चिकन क्यूब्स पुलाव वाला डाला था हाफ, आपको जितना पसंद है आप उतना ऐड कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये देसी स्टाइल से है, सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से तैयार हो जाने वाली है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल कर दो सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत का साया बनाए रखे, अल्लाह ताला हम सब की दुख तकलीफ परेशानी गम दूर करे।
हम सब इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और हम सबका साथ हमेशा बना रहे। अब दे हमें इजाज़त, नेक्स्ट मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।